नमस्ते नमस्कार, मैं हूं नीता और आप लोग का स्वागत है रविनीता ब्लॉग में। और मैं एक बात बोलना चाहती हूं, मालती चौहान के लिए, गोरखपुरिया भौजी के लिए, राधा राज के लिए, जितने संपूर्ण इसमें शामिल है सबके लिए मैं एक बात बोलना चाहती हूं, कहां गए इंसाफ, कहां गई भाषणबाजी, कहां गए वो बच्चे का रोना धोना करके वीडियो बनाना, कहां गई युवराज आई मिस यू और बहुत कुछ हेन तेन बहुत कुछ। मैं यही बोलना चाहूँगी कि जब दो दिन का चटक करना था, दो दिन का नाटक करना था, तो क्या ज़रूरत था इतना नौटंकी फैलाने का। एक उस पे आरोप लगाता है, एक उस पे आरोप लगाता है, एक कुछ करता है, एक कुछ करता है, किसी को मतलब नहीं है। मालती चौहान को इंसाफ मिले ना मिले, क्या मिले, हेन मिले तेन मिले, किसी को फर्क, मैं बताती हूँ क्यों नहीं इंसाफ मिल रहा है। गोरखपुरिया भौजी को सब लोग घमंडी बोलते हैं, आधा से ज़्यादा लोग घमंडी बोलते हैं जो YouTube चलाते हैं, क्योंकि वो किसी का वीडियो में नहीं बोलती है तो वो घमंडी हो गई। ठीक है, वो घमंडी ही है, ठीक है। तो इसलिए जब गोरखपुरिया भौजी मालती को सपोर्ट कर रही है, इसलिए उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे मालती को सब सपोर्ट करेंगे, लेकिन गोरखपुरिया भौजी उसके लिए बोल रही है, मालती के लिए, इसलिए हम सपोर्ट गोरखपुरिया भौजी को नहीं करेंगे। इसलिए सब लोग उसको सपोर्ट छोड़ के थर्ड पर्सन को सपोर्ट करने गए, जिसका कोई वजूद नहीं है, जिसका कोई नाम निशान नहीं था, अचानक से आया, गाली गुलौज स्टार्ट हुआ, उसको दिया, उसको दिया, उसको दिया, अभी उस वजह से गोरखपुरिया भौजी पूरा ख़त्म। उसका नाम अभी पूरा खोल के देखती हूँ, गाली के नाम पे ही आता है, जो कि इज्जत से नाम आता था गाली पे ही आता है। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप लोग में व्यू ही खेल रहे हैं, अभी भी आपको ये नहीं है कि इंसाफ दिलाना है, व्यू ही खेलना है, कभी इंसाफ के नाम पर कुछ, कभी इंसाफ के नाम पर ये, कभी वो, कभी गाली, कभी ग्लोज। तो ये करने से अच्छा बंद ही कर दो, क्या ज़रूरी है, क्या ज़रूरी है ये सब। हाँ, जब तुम लोग को गाली ग्लोज करना है ना, तो तुम लोग पीछे हट जाओ और कम से कम एक बच्चे को अपने बाप से मिलने के लिए दे दो, क्योंकि तुम लोग को तो गाली खेलना है, तुम लोग को थोड़ी ना इंसाफ से मतलब है, या किसी को मुजरिम को सजाए देने से मतलब थोड़ी है, तुम लोग को तो गाली खेलना है, तो गाली खेलो, क्या ज़रूरत है उसको उसके चक्कर में विष्णु को अंदर रखना, उसको भी निकाल दो, अपने बाप बेटा को मिला दो और शादी करे, ब्याह करे, उसका प्रॉब्लम है, वो कुछ भी करे। जब ये सब हो रहा था तभी आप लोग को ध्यान देना ही नहीं चाहिए था, ये सबसे मतलब रखना ही नहीं चाहिए था। गोरखपुरिया भौजी से मैं खास करके बोलती हूँ, मैं उनको इतना सपोर्ट करती हूँ, इतना सपोर्ट करती हूँ, इतना चाहती हूँ। मुझे भी बोलते हैं, मेरे फैमिली वाले बोलते हैं कि उसको साथ मत दो, उसको मत करो। क्यों बोलते हैं पता है? क्योंकि आप कभी कुछ हम बोलते हैं नहीं मम्मी, उनका दिल में झांक के देखो, वो जो देखती है वही बोलती है। लेकिन ये गाली गलौज देख के ना मेरे फैमिली वाले भी बोलते हैं कि नहीं, इनका भी गलती है। तो मैं गोरखपुरिया भौजी से बोलूँगी, आपका वीडियो सिर्फ यूट्यूबर लोग नहीं देखते हैं, यूट्यूब के जो माँ बाप भाई बहन भौजाई जितने लोग हैं सब लोग देखते हैं। जो यूट्यूब नहीं चलाते हैं, जो यूट्यूब से कोई मतलब नहीं रखते हैं, नॉर्मली आपको चाहने वाले भी वीडियो देखते हैं। गोरखपुरिया भौजी से खास करके बोल रही हूँ इसलिए क्योंकि आपका वीडियो अच्छा लगता है, कोई भी देखता है। मैं भी किसी को बोलती हूँ, हाँ गोरखपुरिया भौजी का वीडियो अच्छा लगता है, कोई भी मुझे भी आके बोलता है, अरे उस मुझे यूट्यूब में बस उसी का एक वीडियो अच्छा लगता है। तो थर्ड पर्सन के लिए आप अपना क्यों इमेज ख़राब कर रही हो? थर्ड पर्सन के लिए अपना इमेज ख़राब करना मतलब ख़त्म, वो तो है ही, उसका नाम मैं नहीं लूँगी, लेकिन वो तो वही लाइक की है। कम से कम आप तो संभल जाइए, आप गाली गलौज मत कीजिए, आप जो चीज़ में फोकस कर रही हो उस चीज़ को फोकस करके और आगे बढ़ाइए। ये गाली गलौज की वजह से आप घर घर में खराब हो रही हो। जो लोग अच्छे बोल रहे थे वो लोग भी बोलते नहीं, बहुत गंदा गंदा गाली देती है, तो गाली दे कोई, नाम तो आप ही का आएगा ना, इसलिए आप ये सबसे दूर रहिए। बस आप अपने पे फोकस कीजिए, इंसाफ दिलाना है उस पर फोकस कीजिए, फालतू चीज़ पे फोकस ना कीजिए, मैं ही बोलूँगी। और मेरा बात से अगर बुरा लगा हो रिंकी दीदी तो मैं माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन मैं यही बोलूँगी कि आप दूसरों की वजह से आपका इमेज ख़राब हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। मैं ये वीडियो को यहीं ख़त्म कर रही हूँ, नमस्ते।